वेलकम स्टूडेंट्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, वो बात मैं आज कुछ समय के लिए साइड में रखता हूं। एग्जाम में समय बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ, कहां से शुरुआत करें, कहां पर खत्म करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। करें तो करें क्या, लेकिन शुरुआत तो करनी है। केवल एक ही सहारा होता है बच्चों के पास में कि क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आता। चलिए फिर एक काम करते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके उन सब क्वेश्चंस को बना के देखते हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं, उनको याद करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में जब कम समय बचता है तो बच्चे ढेर पढ़ लेते हैं, उसमें से कितना परसेंट याद रहा, कितना परसेंट याद नहीं रहा, वो इसके ऊपर गौर नहीं फरमाते। ढेर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि कम पढ़ें और अच्छा पढ़ें, वो पढ़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो बच्चों, मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, काफी बेसिक क्वेश्चंस है, टाइम बहुत कम है, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और उसको पेन डाउन करना प्लीज मत भूलिएगा। इस तरह के वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एसएससी सीजीएल जीए का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाइए आप, वहां पे आपको इस तरह के काफी सारे वीडियो मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस वीडियो को प्लीज 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 एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हुडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ये जो है हुडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, तो आपको इस पर फोकस करना है, स्वर्ण रेखा नदी पर। मंगलोर कहां पर है? मंगलोर जो पड़ता है वो पड़ता है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कन्हैरी की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण पहली सदी ईसा पूर्व में बौद्धों के द्वारा, जो बौद्ध धर्म था उनके द्वारा इसका निर्माण करा गया, किसका? कन्हैरी की गुफाओं का। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे बिटवीन द लाइंस स्किल्स को आप कैसे डेवलप करेंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप वॉच करिए। बिटवीन द लाइंस में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जो लाइन का गैप होता है वो आप किस तरह से अपने विचारों के द्वारा उसको फिल कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि ये मंगलोर और कन्हैरी दोनों के बीच में एक स्पेस दिख रहा है आपको, ये हर बुक में होता है, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो इस बीच के स्पेस में आप नया क्या फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई वन लाइनर जीके पढ़ी तो आप उसमें से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर हमसे किस तरह से घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछेगा। वो हमसे पूछेगा कि मंगलोर कहाँ पर है, हमको मंगलोर पता करना है, वो है कर्नाटक राज्य में, पता क्या करना है, अब हमको पता है कि कर्नाटक राज्य में है। इस तरह से आप क्या करेंगे, आपका पढ़ने की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट आपको एक एक क्वेश्चन काफी अच्छे से याद हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस एक होता है थोता, जिसे बोलते हैं खाली खोखला, एक होता है कॉन्फिडेंस रियल, मतलब कि जब आप एग्जाम में सही नॉलेज लेकर के आप जाएंगे अपने साथ में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस टाइम पे अगर आप इन सब क्वेश्चंस को अपने नॉलेज बैंक में फिल करके जाते हैं, आपका माइंड क्या है, एक तरह से नॉलेज बैंक है, उस बैंक में आपने सही नॉलेज कौन कौन सी फिल करी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं एग्जाम में सही नॉलेज लेकर के, तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव रहता है और एग्जाम में सही वक्त पर आपको सही क्वेश्चन याद आ जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ज्ञान वही है जो मुसीबत में काम आए, वरना वो बेकार है। ठीक है, तो नॉलेज को सही समय पर काम में लाना है, किस तरह से लाना है वो आप करेंगे, सबसे पहले रिवाइज आप नोट करेंगे पेन डाउन, सेकंड टाइम आपका होगा रिवाइज, अगर आप सही समय पर रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि बहुत कुछ आप स्किप करके एग्जाम में जा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, इसका निर्माण किसने कराया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 में किया गया था।
देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, और इंडिया गेट जो है वो है दिल्ली में। दिल्ली में, नई दिल्ली में, कुछ भी कह सकते हैं ऑप्शन में, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभय घाट का संबंध किससे है? मोरारजी देसाई से। अगला क्वेश्चन, बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे है? यह संगीत क्षेत्र से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन, जो कहाँ के है, कनाडा में हुई थी। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल में पहली बार भारत ने भाग लिया था। राष्ट्रमंडल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था, वो साल क्या था? 1934। और ये जो राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे, ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे लंदन में। तो दोनों लाइनें आप ध्यान रखिएगा, लंदन वर्ड आपको याद रखना है। लंदन जो जगह है ये भी फेमस है, और कब हुआ था? 1934 में पहली बार भारत ने भाग लिया था। ये कौन से खेल थे? ये थे राष्ट्रमंडल खेल। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में खोला गया था। भारतीय शासक सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा ट्रांसफर करा था या स्थानांतरित करा था? तो एग्जाम में ये पूछता है कि दिल्ली से आगरा राजधानी को किसने स्थानांतरण करा था, तो आपको याद रखना है सिकंदर लोधी ने ऐसा करा था। सिखों के पांचवे गुरु कौन से हैं? वो गुरु हैं अर्जुन देव। और इनको किसने फांसी की सजा सुनाई थी, या किसने इनको फांसी दी थी? ये फांसी दी थी जहांगीर ने। जी हाँ बच्चों, सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। फालूजा क्या है? फालूजा जो है ये इराक में स्थित है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। बच्चों, आपने मैक्सिमम वीडियो देखे होंगे वन लाइनर जीके के, जो केवल आपको वन लाइन पढ़ के सुना देते हैं और वीडियो का अंत करके आपको ऑल द बेस्ट बोल के, या सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस तरह से वो आपको वीडियो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन बच्चों, पढ़ने का तरीका वो भी होता है, पढ़ने का तरीका ये भी होता है। अब आप डिसाइड करिए कि आपका आउटपुट मैक्सिमम किस में आता है। बट मेरे विचारों से, मेरा एक्सपीरियंस आपको ये कहता है कि बच्चों, आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और एक एक लाइन के साथ में थोड़ा सा उस पर वर्क करें। वर्क कैसे, कि एग्जाम में किस तरह से वो क्वेश्चन हमसे पूछेगा। एक तो क्वेश्चन आपने वन लाइनर में पढ़ लिया, जैसे पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना था, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित क्या बात हमसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप लाइनों में से क्वेश्चन निकालिए, वन लाइनर जीके में से क्वेश्चंस डेवलप करिए, बनाइए। आपकी ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए बच्चों, तभी मजा आता है पढ़ाई में। वरना वन लाइनर जीके पढ़ के, पन्ने पलट पलट के आप पूरी बुक को खत्म कर लेंगे एक महीने में। ठीक है, आप स्पीड से मत भागो, आप दौड़ते हुए घोड़े पर सवार मत होना प्लीज। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बच्चे ये गलती बहुत करते हैं। आप घोड़े पर सवार होंगे जो बहुत तेज दौड़ेगा, लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होगी अगर आप स्पीड में पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। तो यही बात मैं अपने एक दो वीडियो में पिछले पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज बच्चों, जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ उतना प्रयास आप भी करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। CIA संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गुप्तचर संस्था है। जर्मनी के संसद को वुड स्टेग कहा जाता है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? अमेजन। आप शॉपिंग करते हैं amazon.com, तो उस नदी पर सबसे गहरी नदी के नाम पर ही ये नाम पड़ा था। बद्दू अरब देश के जनजाति का नाम है। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है चीन में। स्वर्णिम योजना पिछले वर्ग सॉरी पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उठाने से संबंधित है। तो बच्चों, जो भी योजनाएं चलती हैं सरकार की, आप उसको स्किप मत करना। जैसे जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जो भी योजनाएं चलती हैं एग्जाम में, योजनाओं का भी अब वेटेज बहुत बढ़ रहा है। जिस तरह से आपसे वो पूछता है कि डे वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, या युवा दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो डेज को भी लेकर के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन श्योर श्योर आएगा, ठीक है। और ये भी आप करिए, डेज को आप फोकस करिए, इसका भी वीडियो बना रखा है, आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी कोई नए चैनल की भी आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा करिए, बट मेरा टारगेट है कि पढ़ो, कैसे भी पढ़ो बट पढ़ो, एग्जाम क्रैक करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्मल हृदय के उपनाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम रिजर्व बैंक का वार्षिक नीति का दस्तावेज है। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी? द पॉलिटिक्स। इंसुलिन में लोहा धातु होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? वो धातु होती है लोहा। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह है कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन, स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और कपास की जो खेती होती है कौन सी मिट्टी में होती है? ये होती है काली मिट्टी में। और मैक्सिमम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इससे 3 क्वेश्चन निकल के हमारे सामने आए। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? तो ये जो गैस है इसका नाम है एथिलीन गैस। बडागा जनजाति तमिलनाडु राज्य में है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा में 88 दिन लगाता है। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर 1661 में दहेज में मिला था। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। इसका साल क्या है? 1661। एक मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? 1760 यार्ड के। एक मील पत्थर। हरे पौधे अपना भोजन प्राय पत्तियों में बनाते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तरांचल में स्थित है। हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। ये कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु घटेगा। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। गोमेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, कि सुपरसोनिक जो विमान होता है वो कौन से मंडल को हानि पहुंचाता है? इसका राइट आंसर है आयन मंडल। कनेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं, और ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत के बीच स्थित है। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से है। जो भी रिवोल्यूशन होते हैं कलरफुल, जैसे ब्लैक क्रांति किससे संबंधित है वो पूछता है, ये है पेट्रोल से। और जो आपकी गोल क्रांति है, गोल क्रांति है आलू से। रेड क्रांति है टमाटर से। तो इस तरह की क्रांति आपसे पूछता है, वो सभी क्रांति मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो अगेन आपसे रिपीट करूंगा, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लीजिए। आगे अगले क्वेश्चंस में मैं बात करता हूँ, जर्मनी का लौह पुरुष ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है।
कराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का फादर कौन है? यह एडम स्मिथ, फादर ऑफ अर्थशास्त्र। इनका नाम क्या है? यह एडम स्मिथ बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आप पैंडम कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। यहूदी मेनुहिन का संबंध वायलिन से है। भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक दक्षिणी अफ्रीका करता है। भट्ट नागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी से है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करा जाता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ये वर्ड का जो सर्वप्रथम प्रयोग करा था वो किसने करा था? वो करा था ठक्कर बापा ने। विश्व में सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को एक नए नाम की संज्ञा दी गई है जिसका नाम है आदि कवि। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। उपन्यास कौन सा? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड। दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जो विकसित देशों की होती है उन सभी मुद्रा को क्या कहते हैं हम लोग? दुर्लभ मुद्रा। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। रसायन उद्योग में तेजाब को मूल रासायनिक माना जाता है। रासायनिक उद्योग में तेजाब को मूल रासायनिक माना जाता है। तेजाब का जो साइंटिफिक जो रासायनिक सूत्र है वह है H2SO4। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर 76 सेंटीमीटर होता है। लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक। अगला क्वेश्चन। बैटरियों में सामान्यतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करा जाता है। नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ पर है? यह है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चंस जो है आंध्र प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट है? यह है नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट। भारतीय जल सेना पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। खाने वाला मशरूम फंगी श्रेणी का होता है। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने MB का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं? उसका साइज क्या होता है? 1.44 MB का डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और जो नॉर्मल CD होती है उसमें हम लोग 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो DVD होती है 3 GB 4 GB भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और टेराबाइट क्या होती है, उसको फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपसे पूछ लेता है। टेराबाइट हो गया, हेक्साबाइट हो गया और येटाबाइट, YETA, येटाबाइट। तो आपको पता होना चाहिए कितने बिट में कितने बाइट होते हैं, कितनी MB में कितने GB होते हैं, 1 TB इक्वल में कितने GB की होती है। तो 1 TB मैक्सिमम ये पूछा जाता है, तो ये 1024 GB इक्वल में 1 TB। बाकी आपके फ्लॉपी का जो साइज होता है उसका जो होता है 1.44 MB का डाटा हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसका साइज क्या होता है, कितने इंच की होती है? ये होती है 3.5 इंच की। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करा जाता है। किसका प्रयोग? परिशोधक का प्रयोग। ये क्या करता है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथा के लेखक कौन है?
ये एक ग्रंथ है, काफी फेमस ग्रंथ है। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है बरगूर राम चंद्रप्पा। बरगूर राम चंद्रप्पा। तो बच्चों, हमने इस क्वेश्चंस में, इस वीडियो में एक्चुअली हमने कम से कम 50+ क्वेश्चंस आज देखे, और कम समय में हमने मात्र 20 मिनट के अंतर्गत हमने इसमें 50 क्वेश्चन देखे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे, और क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है वो भी हमने आज थोड़ा सा सीखा। तो बच्चों, ये स्किल्स होती है, ये कला होती है पढ़ने की। अगर आप वन लाइन जीके को पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एक एक लाइन में नए क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हैं कि हमसे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, माइंड में बनाइए, उसको बोल के आप लिखिए, तो आपको इस तरह से याद करने की आपकी सीमा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और अगर रिवाइज नहीं करते हैं, तो अगर रिवाइज आप टाइम पे नहीं कर रहे ना, तो बच्चों फिर ये पढ़ना भी बेकार है आपके लिए। रिवीजन का एक टाइम डिसाइड करिए, फ्राइडे सैटरडे को मैं जितना भी 5 डेज का रीड करूंगा, और 6 और 7 डेज 2 दिन मैं लगाऊंगा रिवीजन में। तो इस तरह से कर लीजिए, ढेर मत पढ़िए। मेरा मानना यही है कि ढेर मत पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और कॉन्फिडेंस बना के चलिए। तो बच्चों, बात बहुत अधिक हुई हमारी आज, और ये वीडियो कैसा लगा मुझको बताना, लाइक करना, और जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। जाने से पहले इस वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगेन, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। धन्यवाद।